सो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो आपको सैमसंग का एक बहुत ही लो बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, बट ये स्मार्टफोन आपको एक 5G देखने को मिलता है। तो अगर आप एक प्लान कर रहे हैं बजट कैटेगरी में या फिर लो बजट कैटेगरी में एक 5G स्मार्टफोन बाई करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.6 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको नॉच वाला डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको V टाइप नॉच देखने को मिलेगी और बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले वाइज अगर हम बात करें तो आपको एक डिसेंट स्मार्टफोन देखने को मिलता है और इसमें आपको एक LCD पैनल ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन नहीं देखने को मिलेगी विद 60Hz रिफ्रेशिंग रेट के साथ। और वहीं पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सिनोस की तरफ से आने वाला Exynos 820, जो कि हमें काफी एक डिसेंट प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। बात करें रैम रेट की, तो यहाँ पर आपको 4GB रैम वेट देखने को मिलेगा। तो गेमिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको इतनी अच्छी गेमिंग नहीं दे सकता, इसमें आपको बहुत ही डिसेंट प्रोसेसर देखने को मिलता है, लो बजट कैटेगरी का ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है और सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको फुल HD या 30fps देखने को मिल जाती है। तो कैमरा वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 50MP का काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन में, आप डिसेंट फोटोज काफी अच्छे से स्मार्टफोन में क्लिक कर सकते हैं। लास्ट में अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की लास्ट बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 15W चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगी। सो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि मैं सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली देखने को मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी M13 5G की। तो वहीं पर अगर बात करें स्मार्टफोन के प्राइस और इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन आपको जून के मंथ में देखने को मिल सकता है, प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन आपको 12,000 का देखने को मिल सकता है। तो क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? तो बेसिकली अगर बात करें प्राइस की, तो ये जो स्मार्टफोन आपको 12,000-13,000 का देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक 5G प्रूफ स्मार्टफोन लेना चाहते हो, अगर बजट कैटेगरी में आपका बजट अगर 15,000 से कम है और आप चाहते हो कि आपको ब्रांड क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिले, तो तब तो आप स्मार्टफोन के लिए जरूर से जा सकते हैं। नहीं तो आपको काफी सारी ऑप्शंस और भी देखने को मिल जाती है, जहां पर अदर कंपनी के भी स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाते हैं। इवन आपको सैमसंग के भी काफी स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाते हैं, लाइक सैमसंग गैलेक्सी M33S 5G, जो कि हमें अपकमिंग स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इससे अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप वेट भी कर सकते हैं या फिर आप इस स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।